नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट टॉप 10 के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उन देशों के बारे में जहां भारतीय रुपए काफी ज्यादा हैं, जिस वजह से उन देशों में जाने के बाद आप अपने आप को राजा जैसा महसूस करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ मिनटों में दुनिया के 10 सबसे सस्ते देश घूमेंगे, साथ ही वहां रहने का आपको क्या खर्च आएगा इस पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं। नंबर 10, जापान। जापान संस्कृति, सुंदरता और टेक्नोलॉजी का एक सुंदर मिश्रण है, जहां पर आप पारंपरिक खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। अधिकांश उन्नत टेक्नोलॉजी क्षेत्र वाला जापान एक ऐसा अनुभव है जो आपको जड़ से जोड़े रखता है। हालांकि जापान एक दर्जन से अधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों का घर है, जहां का आप आनंद चंद रुपए में उठा सकते हैं। साथ ही एक आइलैंड राष्ट्र है, जहां पर लाखों वेंडिंग मशीन है, जिससे आप खाने से लेकर सभी जरूरत की चीजें प्राप्त कर सकते हैं। जापान का सबसे प्रसिद्ध माउंट फ्यूजी, जो पहाड़ की चोटी है, उसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है और लाखों पर्यटक वहाँ घूमने आते हैं। और भारतीयों के लिए ये देश सस्ता माना जाता है, और भारतीय एक रुपए वहाँ पर 1.45 रुपए हो जाता है, जो जापानी मुद्रा जापानी येन के बराबर है। जहाँ 7 से 11 दिन बिताने का खर्च 40 से 60 हजार के बीच आएगा एक भारतीय के लिए। खैर, अब चलते हैं इससे भी सस्ती जगह पर। नंबर 9, श्रीलंका। ये देश अपनी धार्मिक समृद्धि के साथ बहुत सारे मंदिरों और तीर्थ स्थानों के लिए जाना जाता है। साथ ही श्रीलंका को भारत का अशोक का मोती भी कहा जाता है। दरअसल श्रीलंका को मोती इसकी अविश्वसनीय सुंदरता और विभिन्न जैव विविधताओं के कारण कहा जाता है। अपने गृह युद्ध की समाप्ति के लगभग 10 साल बाद 2019 में लोनली प्लैनेट द्वारा यात्रा करने के लिए श्रीलंका को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है। श्रीलंका में धार्मिक और ऐतिहासिक कई स्थान है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और इसकी करेंसी श्रीलंकन रुपीज है, जहां भारत के 1 रुपए 2.66 रुपए में तब्दील हो जाएंगे। और यहां हर दिन 2 से 3 हजार रुपए में ही आप यहां के लजीज खाने, होटल और घूमने का आनंद उठा सकते हैं, जो कि भारतीय नजरिए से काफी अच्छा और सस्ता देश माना जाता है। तो अब चलते हैं इससे भी सस्ती जगह पर। नंबर 8, आर्मेनिया। आर्मेनिया पश्चिमी एशिया का एक देश है, जो कि एक लैंडलॉक देश है, जहां पर आप तुर्की, जॉर्जिया और रशिया के बीचों बीच होने का आनंद उठा सकते हैं, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी वाइनरी का घर है। हालांकि आर्मेनिया दुनिया का सबसे पुराना शराब उत्पादक देश है। आर्मेनिया में उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर उगाए जाते हैं, और तो और रिपोर्ट के मुताबिक आर्मेनियन महिला दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं का देश माना जाता है। और आर्मेनिया को सबसे प्राचीन देशों में एक माना जाता है, और सिर्फ 30 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश है, जिसकी करेंसी आर्मेनियन ड्राम है, जो कि भारत के 1 रुपए के बराबर 7.16 दिराम है। हालांकि भारत से यहां की हवाई यात्रा दूर होने की वजह से हवाई सफर थोड़ा महंगा है, पर वहां रहना, खाना और घूमना 6 से 8 हजार हर रोज है एक भारतीय के लिए। तो अब चलते हैं इससे भी सस्ती जगह पर। नंबर 7, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अपने संपूर्ण धार्मिक प्रयास और मार्शल आर्ट प्रेमियों के लिए पहली पसंद है, और आज टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का अव्वल देश है। साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी अव्वल होने का दावा करता है साउथ कोरिया, जहां 92% इंटरनेट उपयोग करता है। जहां का पर्यटक स्थल और वहां की परंपरा आपका मन मोह लेगी, और इसकी राजधानी सियोल ऊंची बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जहाँ की करेंसी साउथ कोरियन वॉन है, और ये भारत के 1 रुपए के 15.36 रुपए के बराबर है। जहाँ पर आपको 7 दिन बिताने के लिए 15 से 18 हजार खर्च करना पड़ेगा। और अगर आपको अभी भी महंगा लग रहा है, तो अब चलते हैं इससे भी सस्ती जगह पर। नंबर 6, कंबोडिया। अगर आप इतिहास जानने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको कंबोडिया जरूर जाना चाहिए, जहां हिंद का सबसे बड़ा मंदिर भी मौजूद है, अंकोर वट। इसके बारे में ज्यादा जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्योंकि कंबोडिया विश्व भर में अंकोर वट की वजह से काफी लोकप्रिय है, जहां पर आप कंबोडिया के राष्ट्र व्यंजन मछली अमोक का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही कंबोडिया का इतिहास, वहां का बीच और धार्मिक स्थल आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। जहां की करेंसी कंबोडियन रियाल है, जो भारत के 1 रुपए के बराबर 55.90 रियाल है। यानी वहाँ जाने के बाद आपका 1 रुपए 55 रुपए में तब्दील हो जाएगा। और इस खूबसूरत स्थान पर आप 10 दिन 18 से 20 हजार में बिता सकते हैं। और फिर भी अभी आपको अभी भी महंगा लग रहा है, तो अब चलते हैं इससे भी सस्ती जगह पर।
नंबर 5 पैराग्यू। अगर आपको जिंदगी में एडवेंचर करना पसंद है और जोखिम उठाना पसंद है तो ये आपके लिए काफी सस्ती जगह है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है और अर्जेंटीना, ब्राजील और बोलिविया के बीच में है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये दुनिया का 35% सोयाबीन निर्यात करता है। हालांकि पैराग्यू अपने जलवायु और प्रवेश के लिए कम आर्थिक बाधाओं के कारण पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है और साल्टोस डेल मंडे नेशनल पार्क जैसे खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते हैं। पैराग्यू की करेंसी पैराग्वियन गुरानी है, जो कि भारत के 1 रुपए में 94.45 गुरानी के बराबर है। हालांकि इसके भारत से दूर होने के कारण अधिकतर खर्च फ्लाइट में ही बढ़ जाता है, पर देश में आप 20,000 में 7 दिन तक लुत्फ उठा सकते हैं। और अब चलते हैं इससे भी ज्यादा सस्ते पर। नंबर 4 उज्बेकिस्तान। समृद्ध इतिहास वाला एक एशियाई देश है जो करेंसी के मामले में भारत से नीचे है। ये देश प्राचीन संस्कृति, शहरों और वास्तुकला के लिए समृद्ध और सुंदर इतिहास का घर है। इस राष्ट्र का स्वर्णिम इतिहास 2 शताब्दी पहले का है। ये वही देश है जहां हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था, जो कि अपने इस्लामिक बनावट और सुंदरता के लिए दुनिया भर में पर्यटकों को रुझाता है। जहां समरकंद, बुखारा और लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक जैसी विश्व विरासत धरोहर है, जो आपका पूरी तरह मन मोह लेगी। उज्बेकिस्तान की करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम है, जो भारत के 1 रुपए के बराबर 144.87 सोम है। जहां पर आप 2 से 3 हजार रुपए में आप आसानी से 6 दिन बिता सकते हैं, वो भी पूरी मस्ती करते हुए। बाकी आप समझ ही गए होंगे, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं और सस्ते की तरफ। नंबर 3 वियतनाम। जहाँ जाकर आप अपने आप को राजा समझेंगे, क्योंकि यहाँ भारतीय रुपए वहाँ के 314 वियतनामी डोंग के बराबर है, जो कि वियतनाम की करेंसी है। यानी 1 रुपए में आप वहाँ का 1 दिन का खाना खा सकते हैं, क्योंकि वियतनामी भोजन को दुनिया में हेल्थीस्ट भोजन माना जाता है, जो कि दुनिया का प्रमुख काजू और काली मिर्च निर्यातक है। यहाँ की गुफाएं, हेलोंग बे, सापा और यहाँ के बीचेस अपने पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती है। साथ ही और भी कई विश्व विरासत धरोहर वियतनाम को और सुंदर बनाती है, जो कि भारतीयों के लिए वियतनाम में राजा बनने जैसा है। नंबर 2 ईरान। ईरान तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे महत्वपूर्ण निर्यातक है। ईरान एक समृद्ध संस्कृति और सुंदर अछूता प्रकृति वाला देश है, जहां सबसे अधिक आकर्षित करने वाले वास्तुशिल्प मौजूद है, चाहे वो भव्य मस्जिद में हो या भव्य महलों में। साथ ही ईरान में कुछ प्रभावशाली इमारतें हैं जो पर्यटक को आकर्षित करती हैं, जो कि पूरी तरह से एक इस्लामिक देश है। पर ईरान में 2 हिंदू मंदिर हैं, जो कि 19वीं शताब्दी से मौजूद हैं, और ईरान की राजधानी तहरीन में कॉन्स द्वारा एक शाकाहारी रेस्टोरेंट दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसकी करेंसी ईरानियन रियाल है, जो भारत के 1 रुपए के बराबर 578.46 रियाल है, जिससे आप अपने आप को राजा समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं सबसे सस्ते देश में। पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि आगे और ऐसी वीडियो आने वाली है। नंबर 1 वेनेजुएला। वेनेजुएला में पर्यटन केंद्र दशकों से काफी विकसित किया गया है, विशेष रूप से इसकी भौगोलिक स्थिति, विभिन्न प्रकार के परिदृश्य, पौधे और वन्य जीवन की समृद्धि, कलात्मक अभिव्यक्ति और सुंदर बीचेस वहाँ मन मोह लेते हैं। हालांकि यहाँ की एंजल फॉल्स और अपने कई सारे नेशनल बीचेस के कारण ये दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको वादियों में खो जाने पे मजबूर कर देंगे। जहाँ की मुद्रा सोवेरियन बोलिवियर है, जो भारत के 1 रुपए के बराबर 25,093 बोलिवियर है, यानी वहाँ पर आपका 1 रुपए 25,000 रुपए के बराबर है, जिसके कारण चंद पैसों में आप वो पूरा देश आसानी से घूम सकते हैं। तो अगली बार जेब में पैसे कम हो और घूमने का मन हो तो इस देश के बारे में जरूर सोचिएगा। हालांकि अभी कुछ और सुंदर और सस्ते देश बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं इस पे पार्ट 2 आना चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।